मक्खी मच्छर और छिपकली ये गर्मियों की सौगात हैं। गर्मियों में हमें बहुत परेशानी होती है इन सब चीज़ों को देखकर, ख़ास तौर पर छिपकली को देखकर एक उलझन सी होती है। हर कोई चाहता है इस उलझन से छुटकारा हासिल करना, लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, कोई चीज़ें काम कर रही होती हैं, कोई चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ ऐसी ही एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ऐसा एक स्प्रे बताऊंगी जो कि आपको मक्खी मच्छर और ख़ास तौर पर छिपकली से निजात दिलाएगा। जी हाँ जी, आपने इस स्प्रे को रेडी करना है, अपनी दीवारों पर स्प्रे करना है, तो आपकी इन तीनों चीज़ों से जान छूट जाएगी। आपने क्या करना है, एक कप पानी उस बोतल में डालना है जिसमें आप स्प्रे रेडी करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि एक काफूर की टिकिया लेनी है जो कि आपको पंसारी की दुकान से या करियाने की शॉप से भी आराम से मिल जाती है। जितना एक कप के लिए हमें एक काफूर की टिकिया जो है वो काफ़ी होगी। तो आपने इसका पाउडर बना लेना है, बड़ी आसानी के साथ इसका पाउडर बन जाता है। तो उसको आपने उसी स्प्रे वाली बोतल में अपनी में डाल देना है। जी हाँ जी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है वो हमें लेना है नमक। नमक आप लेंगी 2 चम्मच। नमक आपने, नमक जो है वो हर चीज़ को आपके घर से ऐसे भगाएगा, जो बैड स्मेल होती है, जो बुरी चीज़ें होती हैं आपके घर से सारी भगाने के लिए नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या डालना है, हमने डालना है डेटोल जो कि 1.5 टीस्पून होगा। आपने भर के 1.5 टीस्पून जो है वो डेटोल इस पानी में डाल देना है। लास्ट चीज़, जो सीक्रेट चीज़ है जो कि मक्खियों को भगाएगी हमारे घर से, वो है सिरका। जी हाँ जी, मक्खियाँ सिरके से ऐसे भागती हैं, ऐसे आप उनकी जान जाती है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। आप इस स्प्रे को जब रेडी कर लेंगी तो अपनी किचन पे जब काम करना शुरू करें तो उस वक्त इस स्प्रे को किचन शेल्फ पे करें, करने के बाद पोंछा लगा दें और इसको जैसे मर्जी आप इस्तेमाल करें, आपकी जो है वो मक्खियाँ नहीं आएंगी। अच्छा जी, इस स्प्रे बोतल में हमने सब कुछ शामिल कर लिया। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए शेक करना है, हिलाना है अच्छी तरह से, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं और आपके जो स्प्रे बनेगा उसकी शक्ल जो है वो कुछ ऑफ वाइट सी होगी, जैसे ये आपको मेरे स्प्रे की नज़र आ रही है। अब आपने कोई भी स्प्रे करने के लिए ऐसा कोई भी शावर ले लें और इसको इस बोतल में लगाएं, और जहाँ जहाँ आपके मक्खी मच्छर और छिपकली आपको नज़र आती है वहाँ वहाँ आप इस स्प्रे को करें। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगी कि आपकी इन सब चीज़ों से जान छूट गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।